तो यहाँ पे ना मैं आपको यूनिवर्सिटी की दो तीन चीजें बताता हूँ यहाँ पे क्या होती है। नहीं देख लेंगे अपन तो जाते रहते हैं यूनिवर्सिटी। ना दो के रेडियो के घूम रहा है, टकरे मार रही है। वेरी गुड मॉर्निंग एंड हेलो क्रिकेट चैनल। तो भैया आज की इस वीडियो में नहीं, अभी मतलब वीडियो के लिए नहीं कर रहा, यूनिवर्सिटी शुरू हो गई तो वहां जा रहा हूँ मैं, तो वीडियो बन रही है ठीक है। अभी मैं जा रहा हूँ यूनिवर्सिटी, फाइनली बैक ऑन कैंपस, हमारी क्लासेस हो गई है। प्रॉब्लम हो गई आज एक कि मेरी क्लास ना 9 बजे थी, 9 बजे स्टार्ट हो रही थी मेरी क्लास, और मैं भाई उसी हिसाब से उठा 7:30 बजे का ट्राई किया उठने का, फिर 8 बज गए, 8:10 हो गए, फिर मैं अलार्म के साथ खेल रहा हूँ, चल 8:23 तक सो जाता हूँ, 8:20 तक सो जाता हूँ, फिर मैंने मैप पे देखा कि 15 मिनट दूर है, मैं कहा चल कोई नहीं 8:23 तक मैं सो जाऊंगा, 8:40 तक मैक्स में रेडी हो जाऊंगा, है ना, 17 मिनट तो लगते ही है। इतना ही भाई नहाने घुसा, प्रेशर कैसे नहा नहीं पाया, ड्राई शैम्पू गया ऐसे ही बाल वगैरह बना लिए ठीक है जैसे करके, फिर धीरे धीरे करके ना वो हो गए 9:40, 8:42। अब 8:42 के बाद भाई वो कब 8:47 हो गए, 8:52 हो गए, निकलते इतना लेट हो गया ना भाई मैं। और फिर मैंने गाड़ी में बैठ के देखा ना ईटी है तो और 25 मिनट्स, मतलब ये तो भाई मैप के साथ हमारी बात ही नहीं हुई थी, है ना, हमारी ये बात हुई थी भाई 15 मिनट का रास्ता है, तो भी तो बढ़ा दिया भी मैप ने। कोई नहीं भाई, पहली क्लास है मेरी, पहली क्लास में मैं लेट हूँ, बिना नहाए जा रहा हूँ, और दूसरी चीज क्या, और पहली क्लास है इतने टाइम बाद, तो ऐसे होता है कि नहा धो के जाएंगे अच्छे से जाएंगे, हाँ तो नहीं नहा के जा रहे ही बता दिया मैंने। और अभी ईटी आ रहा है 9:20, और उसके बाद भी 5 मिनट आंटी थे वेब खींच रही है, खींचते 9:20 के बाद भी मेरे को 10 मिनट वॉक करके अंदर जाना है कैंपस के अंदर, तो भाई आज तो भाई सीन होने वाला है। और शाम की हम लोगों की फ्लाइट है ठीक है, तो 3 बजे तक मेरी क्लासेस है 9 to 3, उसके बाद जो कि 9:30 to 3 होएंगी, हाँ उसके बाद घर जाना है और फिर एयरपोर्ट जाना है, तो ऐसा सीन है आज का। बन रही चैनल पे अगर आप लोग नए हो तो नीचे सब्सक्राइब बटन है रेड कलर का और लाइक बटन है वीडियो के साइड में, तो उसको दबा दो और सब्सक्राइब बटन को फोड़ दो। भाई यूनिवर्सिटी तो पहुंच गया पर पार्किंग ही नहीं मिल रही, देख रहे हो किस्मत भाई की, ये भाई नहीं लगा सकते यहाँ पे, पार्किंग ही नहीं मिल रही भाई, व्हाट द हेल मैन। भाई मेरी किस्मत ना अल्ट्रा प्रो मैक्स है आज बिल्कुल ही, एक चीज गलत हुई ना, सुबह से लेट होना स्टार्ट हुआ, पूरा दिन लेट जाएगा यहाँ पे, मेरे को पार्किंग मिल जाए यार बस। पानी ने सही बोला था रात को कि जल्दी निकलियो, पार्किंग भी नहीं मिलेगी तेरे को। और भाई मैं कहा कोई नहीं देख लेंगे अपन तो जाते रहते हैं यूनिवर्सिटी, घंटे की पार्किंग नहीं मिली। आज तो भाई लग रहा है मेरी क्लास गई। अरे खाली पार्क, ये खाली पार्क बना रखा है या पार्किंग बना सकते हैं भाई, पार्किंग ही नहीं है इतने बड़े सिस्टम में। मिल गई। भाई 9:23 हो गए, बहुत ज्यादा लेट। और भाई यूनिवर्सिटी के अंदर इतने सारे मतलब ऊपर बहुत सारे लेवल्स बना रखे हैं ऐसे ही, ये सोचो अगर एक घंटे की पार्किंग $3 भी है तो हजारों गाड़ियां खड़ी यूनिवर्सिटी वाले यहाँ से पैसा छाप रहे हैं, वेरी नाइस। और भाई अभी तो भाई आपको लग रहा है ना इतनी सारी हरकतें हुई हैं तो लेट हुआ, तो भाई मेरे को तो पता भी नहीं मेरी क्लास किधर है, क्लास भी ढूंढनी है अभी, 9:30 बज जाएंगे, प्रोफेसर कहेगा अच्छा आ ही गया तू है। ये पार्किंग टिकट्स लगी होती है नहीं तो ऑनलाइन पे कर सकते हैं, मैंने ऑनलाइन कर दिया ऐप से। जो भी नए बच्चे आते हैं भाई पार्किंग का ध्यान दे देना, बाहर आओगे $120 का फाइन लगा पड़ा मिलेगा। तो ये चीज है कि हर यूनिवर्सिटी के पार्किंग में अलग अलग सिस्टम होता है, बट जनरिक यही होता है या तो ऐप होती है या फिर ऐसे डंडे खड़े होते हैं लंबे से, उसके अंदर आप लोग डाल के मतलब टैप करके आपको पार्किंग मिल जाएगी। तो भाई एक क्लास खत्म होगी 3 घंटे की, और अभी 3 घंटे की एक और बची है। सर मेरे को बोलते, मेरे को लग रहा तेरे को नींद आ रही है, मतलब मेरे को लगता है कि नींद आ रही है। मैंने कहा हाँ मैं ना थोड़ा सा लेट सोया था रात को, कह रहे मैं भी लेट सोया था। मैं कहा ठीक है फिर अपन है भाई मस्त टीचर। वॉच भी कर रही है भाई तूने कर लिया अटेंड सारी, वेरी नाइस। भाई फाइनली हो गई सारी क्लासेस खत्म, 6 घंटे की क्लास थी मेरी, ऐसे से होगी पर मैंने कुछ भी नहीं खाया हुआ सुबह से, लिटरली एक कॉफी मैंने ली थी ब्रेक मिला था 5 मिनट का, कुछ नहीं खाया। भाई फाइनली क्लासेस खत्म हो गई, और मतलब मैं बार बार फाइनली बोल रहा हूँ, हो ही गई आज की, और मैं ना लिटरली यूनिवर्सिटी से भागा हूँ क्योंकि भाई 3:20 हो गया, 5 बजे हम लोगों को एयरपोर्ट के लिए निकलना है क्योंकि हमारी फ्लाइट 7 बजे की है। तो और क्लासेस का मैं अगर आप लोगों को बताऊं तो सेकंड वाली थोड़ी सी बोरिंग थी, फर्स्ट वाली इंटरेस्टिंग थी, बट मैंने यूट्यूब पे दबदबा बना दिया दोनों क्लासों में, ठीक है। मतलब इंट्रोडक्शन पूछते हैं क्या करते हो,
अब मैं अगर ना चाह के भी ऐसा रखू ना कि मैं नहीं बताना चाहता भाई कि मैं यूट्यूब करता हूँ, ऐसे कोई बुरी बात नहीं है, बट उनको लगेगा ना कि फिर ये सीरियस नहीं है पढ़ाई के अंदर, ये बोलेगा डेली व्लॉगिंग करी है ना, ऐसे मैंने बोल भी दिया तो उनको लगेगा पढ़ाई में सीरियस नहीं है, तो इसलिए फिर मैंने बता ही दिया कोई नहीं, कह लो क्या ही बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि भाई अप्रिशिएट करते हैं यहाँ पे, बट थोड़ा सा ना टीचरों से थोड़ा सा वैसे रहना चाहिए कि भाई आप तो पूरे पढ़ाकू है, हम लोग बहुत पढ़ाई करते हैं, ऐसे वैसे दिखाना चाहिए हमको। अगर मैं बट मेरे दिमाग में ये भी थॉट आता है कि अगर मैं यूट्यूब पे बोलूंगा तो वो बोलेंगे कि ये सीरियस है ही नहीं पढ़ाई को लेके, ये वो है ना चीजें, क्योंकि एक बार मेरे साथ पहले हो चुका है ऐसे। हाँ मतलब बुरा नहीं बोलते हैं बट वो रीजन आ जाते हैं फिर उस चीज, मतलब चलो छोड़ो कुछ नहीं होता। अभी हम लोग जा रहे हैं, मैं जा रहा हूँ घर, घर से उठाऊंगा वानी को, वानी को थोड़ा सा काम है, वानी का काम जैसे ही निपटेगा हम लोग फिर निकल जाएंगे एयरपोर्ट के लिए। और बहुत ज्यादा मेरे को हेडेक हो रहा है, मैंने कुछ खाया नहीं है, खाली पेट सिर्फ कॉफी पी थी मैंने क्लास के अंदर बैठ के, ब्रेक में जाके ले आया था मैं। और हाँ फाइनली वी हैव पिक मिस्टर वानी, हाउ यू डूइंग? ना दो के रेडियो के घूम रहा है, कोई टकरे मार रही है। अभी वानी आई है आईब्रो कराने के लिए, वेरी नाइस। अच्छा ठीक है, ओ खाली है, वेरी नाइस। जाओ जाओ जल्दी कराओ भाई, 3:44 हो गए, 5 बजे एयरपोर्ट पहुंचना, और इसको देख लो। तो भाई फिर से मैकडॉनल्ड्स उठा लिया गया है, मेरा मन नहीं था मैकडॉनल्ड्स उठाने का, बट मेरे को इतनी तेज भूख लग रही थी, ड्राइव थ्रू वही दिखा, मैं कुछ नहीं करना घर जाके, बस निकलना, 4:10 हो गए, ये खा के भाग जाएंगे भाई। और मेरे को चक्कर आ रहे हैं, मेरा सिर दर्द हो रहा है बहुत तेज, पता नहीं क्यों बट हो रहा है, या तो खाली पेट हो रहा है, या मैं कम सोया हूँ, या मैंने ज्यादा पढ़ लिया आज एकदम से, 3 रीजन हो सकते हैं, आप बताओ कमेंट करके कौन सा रीजन है। तो भाई यहाँ पे ना मैं आपको यूनिवर्सिटी की 2-3 चीजें बताता हूँ यहाँ पे क्या होती है, कि जब आप लोग अगर लेट आ रहे होते हैं ना तो यहाँ पे कोई कुछ नहीं बोलता है, ठीक है, अगर आप लोग जल्दी भी आ रहे हो तो भी कोई कुछ नहीं बोलेगा ऑफकोर्स, बट अगर आप लोग यूनिवर्सिटी में क्लास में अगर आप लेट जाते हो, लेट मतलब ऐसे फैलना नहीं है, लेट जाते हो तो आप लोगों को कोई नहीं पूछता है। अगर आप लोगों को वॉशरूम जाना हो, जैसे इंडिया में बोलते हैं ना सर मैम मैं गो टू वॉशरूम, वो बोलते नहीं हम भाई वहीं कर देते हैं फिर, है ना, मतलब नहीं ऐसे नहीं करते। तो यहाँ पर क्या होता है, अगर आप लोगों को वॉशरूम जाना होता है, कुछ होता है, तो आप लोगों को पूछना नहीं है, आप उठ के चले जाओ ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे बड़ी कूल सी चीज़ मेरे को लगती है, अच्छी लगती है, मतलब एक तरीके से अगर फोन भी आ रहा है तो निकल जाओ, ये नहीं कि जब पेपर चल रहे हो है ना उसके टाइम में निकल जाओ। खैर मेरे पेपर अभी ऑन कैंपस आज तक तो हो ही नहीं 3 साल में ऑस्ट्रेलिया में, ये जो फिल्म मेकिंग का मेरा कोर्स है आज इन लोगों ने आफ्टर इफेक्ट्स की हमारी क्लास थी, ठीक है, आफ्टर इफेक्ट्स सीख रहा तुम्हारा भाई धीरे धीरे करके, और काफ़ी सारी नई नई चीज़ें सीखने को मिली। जो दूसरी वाली क्लास थी उसमें तो भाई बहुत बड़े मतलब अपने डायरेक्टर हैं कोई, वो हमको पढ़ा रहे थे, उन्होंने मतलब पूरा दबदबा बना तो दिया है। अब डर लग रहा है मेरे को इस सेमेस्टर में, क्योंकि मेरे पास इस बार ना 4 सब्जेक्ट्स हैं, और डीकन में ट्राइमेस्टर्स होते हैं, मतलब सेमेस्टर तो 2 ही होते हैं, ट्राइमेस्टर्स 3 हो गए हैं ना, ट्राइमेस्टर मीन्स 3 times इन अ ईयर, ट्राइमेस्टर के अंदर 3-3 महीने के वो होती है, ठीक है, पढ़ाई। तो उसके अंदर 4 सब्जेक्ट लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है, मेरे को नहीं पता भाई मैं कैसे हैंडल करूँगा यूट्यूब आगे जाके, बट काफ़ी ज़्यादा टफ होने वाली पढ़ाई, आज ही डर लग गया, ऐसे लगता है ना नए नए गया मस्ती से गया भाई, यहाँ पर आप लोग नए नए आते हो, जो लोग यहाँ पर है ठीक है रिलेट कर सकते हैं, कि असाइनमेंट आ जाता है पहले वीक के अंदर, है ना, पहले दूसरे वीक के अंदर बोल देते हैं कि तुम्हारा 4th या 6th में असाइनमेंट है, और असाइनमेंट की मतलब फिर टेंशन है, लो सोचते रहो असाइनमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, असाइनमेंट नहीं करोगे फेल हो जाओगे। आज का कुछ मेरा ऐसा एक्सपीरियंस था, और इसके बाद की वीडियो मैं नेक्स्ट में डालूंगा, क्योंकि वो एक अलग सी वीडियो बन गई है, ठीक है, हम लोग आ गए बढ़िया सी जगह पे, तो आपको धीरे धीरे करके देखने को मिलेगी। अगर आप लोगों को वीडियो इतनी अच्छी लगी तो लाइक कर देना, कुछ अच्छी वीडियो सब्सक्राइब कर देना, मैं आपको लूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव फ्रॉम मेलबर्न, बॉय फ्रॉम इंडिया। और भाई कॉन्टेस का भी अभी मेल आया है कि तुम्हारी फ्लाइट चेंज हो गई है, तो पहले थी सबसे पहले थी 7:30 की, फिर उन्होंने 7 बजे कर दी, अब 7 बजे डिले हो गई, 7:45 पे आ रही है। हाँ इसको पता ही नहीं।